बाबू बेटा, तूने देखा कि नहीं, हमारे भारत देश ने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा था ना, 3,84,400 किलोमीटर दूर से पहला संदेश भी भेजा है। मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ। देखा डबूड़ा, आजादी से पहले हमारे देश को बैलगाड़ी का देश माना जाता था, आज हमारा देश उपग्रह पे उपग्रह भेज रहा है। हाँ दादाजी, देखना एक दिन हम चांद पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोलेंगे। ओहो, चांद पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच। हाँ पापा, तू भी शेख चिल्ली की तरह कहाँ से कहाँ पहुँच गया? ए, शेख चिल्ली क्या? क्या शेख चिल्ली? बराबर तो सोच रहा है। अरे इसमें बराबर क्या है बापूजी? अरे बराबर ही तो है। आज चांद पे यान गया है, कल इंसान जाएगा, और एक बार इंसान चांद पे पहुँच गया तो वो घर बसाएगा, और घर बसाएगा तो टीवी और फ्रिज भी खरीदेगा ना। नहीं, फ्रिज नहीं खरीदेगा बापूजी। क्यों? फ्रिज क्यों नहीं खरीदेगा? चांद पे कितना ठंडा होता है। तुझे कैसे मालूम? तू गया है चांद पे? नहीं, अखबार में पढ़ा है बापूजी। हाँ बोलिए नाटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए सेठ जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? चोरी हो गई है। चोरी हो गई? दुकान में चोरी हो गई? फोन स्पीकर पे कर। नट्टू काका, बाघा भाई, आप लोग वहीं रहिए, मैं अभी टप्पू सेना को लेकर आता हूँ। हाँ मैं भी चालू पांडे जी को लेकर पहुँचता हूँ। अरे एक मिनट सेठ जी, टप्पू सेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चोरी दुकान में नहीं हुई है। है? दुकान में चोरी नहीं हुई तो कहाँ चोरी हुई है? हमारे गाँव में। तो उसके लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या आपके गाँव का सरपंच हूँ? अरे एक मिनट सेठ जी, आप पूरी बात तो सुनिए। चोरी हमारे गांव के मंदिर में हुई है। हाँ तो मैं तुम्हारे गांव के मंदिर का पुजारी भी नहीं हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो भाई? मंदिर में चोरी? हाँ मंदिर में। हाँ बापूजी। अरे मंदिर में कैसे चोरी हो गई? वो क्या हुआ बापूजी, कल रात को गाँव में बहुत बारिश हो रही थी और नदी के पानी का बहाव भी बढ़ रहा था, तो मंदिर के पुजारी को लगा कि पानी का बहाव मंदिर के अंदर आ जाएगा और मंदिर डूब जाएगा। इस डर से वो मंदिर छोड़ के गाँव चला गया। पानी का बहाव तो मंदिर में नहीं आया, लेकिन कुछ चोर मंदिर में आए और पूरी दान पेटी उठाकर भाग गए। ओहो, कैसे लोग हैं दुनिया में। एक तरफ हमारा देश चांद पे यान भेज रहा है और दूसरी ओर मंदिर जैसी पवित्र जगह पे चोरी हो रही है। समझ में नहीं आता इंसान तरक्की कर रहा है या अधोगति। अच्छा नट्टू काका, अभी ये बताइए, ये चोरी की बात बताने के लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं पुलिस भी नहीं हूँ। मैं समझाता हूँ सेठ जी। अभी क्या है, श्रावण महीना आ रहा है और मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है। अब दान पेटी तो चोरी हो गई और पूजा में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि इस महीने की पगार आप एडवांस में दे दे तो हम मंदिर में थोड़ा दान कर सके। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी दुकान आते ही आपको चेक दे दूंगा। सेठ जी, चेक में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, आप मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे प्लीज? हाँ 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 कर दूंगा, ठीक है। जेठिया, हमारी तरफ से भी 11,000 भेज देना। बापू जी, मैं भी अभी वही सोच रहा था। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, अभी आप फोन रखिए, मैं पैसे भेजता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, दीजिए पापा, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ ले कर दे। ये लीजिए, पिन डालिए। वही डाल दे। नहीं नहीं पापा, आप अपना पिन नंबर मुझे मत बताइए। अरे क्या मत बताना, तो मेरा बेटा है बेटा। तो क्या हुआ पापा, सरकार कहती है कि हमें हमारा पिन नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। शाबाश बेटा शाबाश। ये लीजिए, हो गया हो गया। सीख कुछ टपुड़ा से सीख। अपना पिन नंबर देने चला था। सॉरी। चले बापूजी। कहाँ? नहीं नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ अरे जेठा, कल 15 अगस्त है, तो दुकान में कोई अच्छी सी स्कीम रखी है कि नहीं? अभी रखी नहीं है बापूजी, बस अभी दुकान जाते ही नट्टू काका, मैं और बाघा, हम तीनों मिलकर कुछ अच्छी सी स्कीम सोच के रख देंगे। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र पापा। हाँ बेटा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओ नो, पापा से 15 अगस्त के बारे में बात करना तो रह ही गया। कोई बात नहीं, पापा दुकान से आ जाएंगे, उसके बाद बात करता हूँ। सेठ जी, आप अभी दुकान में आए तब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कुछ सुनना चाह रहा था। क्या? आप दोनों के मुंह से गुड मॉर्निंग। आज आप दोनों ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। कमाल है, हमने बोला तो सही, आपने सुना नहीं। कब बोला? सुबह आपको फोन किया तभी। तो फोन में बोला तो हो गया। रोज मैं दुकान में आता हूँ तो आते ही आप दोनों मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो ना? हाँ, बोलते हैं। तो फिर आज क्यों नहीं बोला? बोली नाकने आवे। एक मिनट हो नट्टू काका, बोली नाकने आवे मतलब क्या? मुझे कोई मेहरबानी नहीं चाहिए? हाँ सेठ जी, मेहरबानी नहीं, मैं तो बाघा को ये कह रहा था कि इतना डिस्कशन क्या करने का, बोल देना गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका, मैंने कहा डिस्कशन किया। चल चल बोल अवे, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अच्छा लगा? नहीं, मतलब आपने हमें एडवांस में पगार दिया, इससे हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, उसमें थैंक यू क्या? अच्छे काम के लिए मैं कभी मना करता ही नहीं हूँ। चलो चलो, अभी काम की बात करें। वाह सेठ जी वाह, आप सच में सीताफल जैसे हो। क्या? ऊपर से कड़क, फिर नरम, फिर कड़क। सीताफल के साथ मेरा ये तरपरिज मुमम समझ में नहीं आया। समझाता हूँ सेठ जी, देखिए आप दुकान में आए तब मुझे गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला, ऐसा बोल के आपने कड़क वलन अपनाया। फिर अच्छे काम के लिए मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता हूँ, ऐसा बोल के आपने एकदम नरम वलन अपनाया। फिर चलो चलो भाई अब काम की बात करो, ऐसा बोल के कड़क वलन पे वापस जंप मार दिया। तो हुआ ना सीताफल, कड़क नरम कड़क। वाह वागा, गुड कंपैरिजन। सीताफल, थैंक यू नट्टू काका। चलो चलो अभी ये सीताफल पुराण बंद करो, और कल 15 अगस्त है तो कोई नई स्कीम के बारे में सोचा है कि नहीं? सेठ जी, हमने सोच भी लिया और स्कीम चालू भी कर दी। अरे बिना मुझसे पूछे? सेठ जी, स्कीम इतनी जबरदस्त है कि आप सुनते ही कहेंगे वाह वाह क्या बढ़िया स्कीम है, मुझे पूछे बगैर ही आपको स्कीम चालू कर देनी चाहिए थी, नहीं बागा? ऑफ कोर्स नट्टू काका, और सेठ जी इसीलिए हमने आज सुबह से ये स्कीम चालू भी कर दी। 2-3 कस्टमर तो फ्री में लेके भी गए। फ्री में क्या लेके गए? सेठ जी आप चिंता मत करिए, हमने जो फ्री में दिया है वो इतनी महंगी चीज नहीं है। हाँ सेठ जी, महंगी नहीं है लेकिन कीमती है। महंगी नहीं है लेकिन कीमती है? ऐसा क्या दिया कस्टमरों को? सीख? सीख नहीं, शिक्षा। सेठ जी, हमने कस्टमर को एक किताब दी है। किस चीज की किताब? भारत माँ के वीर पुत्रों की कहानी। वाह, ये तो बढ़िया है। थैंक यू सेठ जी। हमने ये बुक देने का इसलिए सोचा ताकि लोग हमारे देश के वीरों की कहानी पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ के सुनाएं। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे भारत देश की आजादी के लिए क्या क्या किया है, ये हमारे देश के हर एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो वो हमारे देश के लिए गर्व महसूस करेंगे। बिल्कुल। भारत माता की जय। वैसे सेठ जी, इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन होगा ना? ये भी क्या पूछने वाली बात है बाघा। हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में 15 अगस्त जोर शोर से मनाया जाएगा। अरे वाह बाघा, हम भी जाएंगे। ऑफ कोर्स नट्टू काका, ये भी कोई पूछने की बात है? सेठ जी एक बात पूछो। नहीं मतलब मैं हमारे साथ बावरी जी को भी लेके आऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। बाबा उसका सिर्फ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना मना है, बाकी तो उसके जहाँ मर्जी जाए भाई, आजाद देश के नागरिक है, लेकिन सिर्फ भारत देश में। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के लिए तो यू नीड वीजा एंड ऑल ना। मतलब भारत के बाहर अगर कहीं जाना है तो हमें उसके लिए वीजा लगता है ना, ऐसे ही नहीं जा सकते, ऐसा कह रहा था। हाँ वैसे सेठ जी, इस बार 15 अगस्त में गोकुलधाम में क्या स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है? पता नहीं नट्टू काका। नट्टू काका देखना, टपू सेना ने और भिड़े भाई ने एकदम जबरदस्त प्लानिंग की होगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, भिड़े तो क्या है, एक जागरूक नागरिक होने के अलावा एक निष्ठावान शिक्षक भी है, तो वो तो हर साल सारे राष्ट्रीय त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करता है। और इस वक्त भी टपू सेना इस साल 15 अगस्त में क्या तैयारी करनी है इसके बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे। टप्पू कल 15 अगस्त है, पता है ना? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कल हम क्या करें। ध्वजारोहण के लिए डेकोरेशन की करना है? अरे घुगी, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल हम कहीं बाहर घूमने जाएं तो। घूमने? ध्वजारोहण छोड़ के घूमने जाए? हाँ ध्वजवंदन तो हम हर साल करते हैं, तो क्यों ना इस बार घूमने जाए, मजा आएगा। I swear टप्पू, मैं भी सेम सोच रहा था, बहुत मजा आएगा। अभी रोहन से बात कर रहा था ना, तो मुझे पता चला हमारा पूरा कॉलेज का ग्रुप कल खंडाला घूमने जा रहा है। वाह यार गोली, खंडाला? इस सीजन में खंडाला का वेदर तो कुछ अलग ही होता है। तो फिर डन, हम हमारे दोस्तों के साथ खंडाला घूमने जाएंगे जी। यस, और कॉलेज का पूरा ग्रुप साथ में जाएगा तो बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स हम लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं। नहीं 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 कभी यार। सोनू इतना क्या सोच रही है? टप्पू मैं ये सोच रही हूँ कि हमें 15 अगस्त छोड़ के घूमने जाना चाहिए या नहीं। और क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सब यार मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा, पगड़ा ही पगड़ा होगा। 15 अगस्त को एकदम यादगार बना देंगे। हाँ सोचना यार सोनू, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन गोली उसके लिए हमें हमारे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होगी, और तुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ध्वजारोहण छोड़ के हमें घूमने जाने की परमिशन देंगे? मेरे पापा तो हाँ कह देंगे, मेरे पापा कभी किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहते। टेंशन तो सिर्फ भिड़े अंकल का है, अगर भिड़े अंकल परमिशन दे देना तो अपना प्लान ऑन है। सोनू तू टेंशन मत ले, भिड़े अंकल मान जाएंगे। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, हम सब साथ में जाते हैं और भिड़े अंकल को मनाते हैं। दर्शकों, टप्पू सेना गोकुल धाम की जान है, और हर साल टप्पू सेना हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार 15 अगस्त को उन्होंने बाहर जाने का प्लान बना दिया है। सिर्फ टप्पू सेना नहीं, देश के कई लोग देश के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर इस महान दिवस को सामान्य छुट्टी समझ के बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। अब गोकुल धाम में पुराने विचार वाले भिड़े और नई सोच रखने वाली टप्पू सेना के बीच में टकराव होने वाला है, जिसके वजह से बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। दर्शकों एक विशेष बात, 15 साल पूरे होने के अवसर पर हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी, फिल्म सिटी के MD, उनके स्टाफ और जीतू भाई के साथ खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए आप भी मिलिए उनसे। दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी, आपका प्यारा फिल्म सिटी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित है, हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट ये भी 15 साल से फिल्म सिटी में ही है, यूं कहे तो हमारी कर्मभूमि है। तो सबसे पहले मिलते हैं फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश डाकने सर। हमारी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम के लिए उनका कोऑपरेशन बहुत अमूल्य है। सर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 15 साल की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपकी टीम जो है वो लोगों को हंसाती है, लोगों का आयु बढ़ाती है। आपका सीरियल जो देखता है वो उसको दवा कम लेनी पड़ती है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सभी लोगों को, मीन्स कलाकार हो, उसके पीछे हो, असित भाई हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी फिल्म सिटी 500 एकड़ जमीन में बसी हुई है, तो ऐसे तो बहुत बड़ी टीम है, लेकिन कुछ चुनिंदे लोग जो फिल्म सिटी संभालते हैं, उसका कारोबार देखते हैं, वो आज पूरी टीम मेरे साथ है। ये सबके साथ मैं 15 साल की खुशियां मनाता हूँ। दादा साहब फाड़के चित्रनगरी फिल्म सिटी के सीईओ गीता मैडम, स्टूडियो मैनेजर बालेराव साहब, हमारे पुराने साथी है मोहन शर्मा जी, श्रीमान मंगेश राउल जी, इलेक्ट्रिसिटी के इंचार्ज अनंत पाटिल जी। अनंत पाटिल जी, आपको शुभकामनाएं। स्टोर इंचार्ज विजय टेकम साहब, फिल्म सिटी के अकाउंट मैनेजर श्रीमती अक्षता सिगवान, रुचुता पाटिल मैडम, राजू राठौर सर, सिंगल विंडो सिस्टम के मैनेजर भारद्वाज जी, फिल्म सिटी के कोषाध्यक्ष हरीश जोशी जी, फिल्म सिटी के तुकाराम खोत सर, मैडम प्रेरणा देवड़ेकर जी और मैडम शशिकला शेट्टी जी। जब भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोई खास इवेंट होता है, कोई स्पेशल एपिसोड होता है या सेलिब्रेशन होता है, तभी हमारे जीतू भाई अपना हुनर दिखाते हैं और स्पेशल कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, और हमारा पूरा यूनिट उनको बहुत प्यार करता है। अब क्या होगा जब टप्पू सेना अपने घूमने का प्लान भिड़े को बताएगी? क्या उनके बीच में कोई टक्कर होगी? और अगर टक्कर होगी तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पर कितना भी टकराव हो, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाके ही छूटने वाले हैं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.